शेयर धारकों के लिए दुविधा दूर करने वाला है ये वीडियो बहुत लोग सोच रहे हैं कि बीस परसेंट का ओपर सर्किट लगा दिया पचास करोड़ बयालीस लाख तैंतालीस हज़ार आठ सौ पाँच रुप पाँच शेयर का वॉल्यूम रहा अभी तक आई का सबसे बड़ा वॉल्यूम पचास करोड़ बयालीस लाख तैतालीस हज़ार आठ सौ पाँच का वॉल्यूम रहा आज का सबसे बड़ा बिगेस्ट वॉलम वाला स्टॉक रेलवे का आप सभी को कोई ऐसा नहीं होगा जिस प्राइस में ख़रीदा होगा उसको चाहे एक सप्ताह पहले ख़रीदा हो या एक महीना पहले ख़रीदा हो या आपको छः महीना पहले ख़रीदा हो एक साल पहले ख़रीदा हो या दो साल पहले ख़रीदा हो तो चलिए दोस्तों आपका एक सवाल ज़रूर होगा आई बेचें प्रॉफिट बुक कर लें निकल जाएं या और ख़रीदें या रखें आगे क्या होगा आईआरएफसी में इसी को लेके आपका वीडियो जो है ये है और आपकी सभी दुविधा दूर करने वाले हैं एक चीज़ आपको ज़रूर हम एडवाइस करेंगे और आपको ज़रूर सतर्क करेंगे कि अगर आपके पास आपने सपोज़ डेट आपने आपने सपोज़ डेट एक हज़ार आपने शेयर लिया है ठीक है एक हज़ार शेयर लिया आपने एक हज़ार शेयर लिया है और एक हज़ार शेयर में सपोज़ डेट आपने जिस प्राइस पर लिया हो जितना आपका प्रॉफिट होता है दोस्तों जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है आप खुद ही देख लीजिए ठीक है उतना प्रॉफिट तक अगर उससे उस प्रॉफिट से, उस से नीचे जाता है प्रॉफिट से शेयर से नहीं सपोज डेट एक हज़ार में आपका एक हज़ार में एक हज़ार शेयर लिए हैं और आपका शेयर मान लीजिए कि आपका आ, तीस रुपये का शेयर है तो अभी मान लीजिए मान लीजिए कोई डेट साठ रुपये का तीस तीस रुपये फायदा हो, तो हो रहा है तो आपको एक हज़ार शेयर में पाँच सौ शेयर प्रॉफिट हो रहा है तो पाँच सौ शेयर जो है प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब कि जब आपका प्राइस तीस रुपये का था ठीक है तीस रुपया का जो प्राइस पर ख़रीदे हैं और आपका स्टॉक पाँच बेच भी देते हैं तो पाँच सौ आपके पास स्टॉक रहा ठीक है प्रॉफिट का तो प्रॉफिट का स्टॉक में से मेरा एडवाइस है कि दो सौ पचास स्टॉक जो है आप प्रॉफिट अगर बुक करते हैं आज के डेट में तो एक अच्छी रणनीति होगी क्योंकि जब भी ये अब तो नीचे जाने वाला ऐसे भी नहीं जो पाँच साल दस साल पंद्रह साल के लिए लिए हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा रामबाण है और ये अमृत है शेयर चलिए आपको डरने की ज़रा भी बात नहीं है क्योंकि डराने वाले इसमें है ही नहीं और जो डराने वाले हैं वो तैयार हैं कि कब आप लोग बेचें और ये आकर उसको झपट लें और ये झपटने के लिए तैयार है दोस्तों कौन सा वो चलिए मैं दिखा दूँ आपको जल्दी से उस स्टॉक उस प्राइज़ में तो ये देखिए आपको एक टारगेट दिखा दें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ देखिए अब इसमें सबसे बड़ा मालिक कौन है सबसे बड़ा मालिक है प्रमोटर अब प्रमोटर की हिस्सेदारी कितना है एट्टी सिक्स परसेंट से ज़्यादा इसको ग्यारह परसेंट घटाना है मतलब पचहत्तर परसेंट लाना है और ग्यारह परसेंट जब घटेगा प्रमोटर का तो ये शेयर स्टॉक जो जाए। किधर जाएगा आप बता दीजिए किधर जाएगा और आप हमें सब सिर्फ आप अपने सवालों मेरे सवालों का जवाब आपके पास है अगर ये ग्यारह परसेंट ये ये बेच ये निकलते हैं इसमें से अपने हिस्सेदारी को तो ये किधर जाएगा आपको मालूम है ये तैयार बैठे हैं कौन सा ये हरे निशान का देख रहे हैं ना हरे निशान वाले ये विदेशी हैं फॉरन इन्वेस्टर और ये जो देख रहे हैं ना पीला वाला ये पीला वाला ये डी ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाले हैं और ये बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों लेकिन पब्लिक भी जोर लगाया हुआ है पब्लिक भी जोर लगाया है दस परसेंट साढ़े दस परसेंट का हिस्सेदारी ले लिया दोस्तों और आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्यारह परसेंट इसमें से घटेगा वो आपके खाते में चला जाएगा तो ये देखते रह जाएंगे और ललचते रह जाएंगे वो कहानी हो जाएगा कि अंगूर खट्टे हैं दोस्तों आज के डेट में ये एफ और डीआई जानते क्या करेंगे इसके बहुत बड़े नेटवर्क है हैं चैनल में वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल और भी बहुत सारे इनका सेक्शन है जो आपको मालूम नहीं है हम आपको बता दें तैयार हैं इस ग्यारह परसेंट को लूटने के लिए और यही कहेंगे कि बीस बीस परसेंट में आप तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है अब तो ये बहुत बड़ा नुकसान देगा इनको मालूम नहीं है कि एम बी ए बी के सिंह कौन है आज तक पता नहीं चला पता चल जाएगा तो उनको मालूम चलेगा आईआरएफसी में डरने की जरा भी बात नहीं है क्यों कि इनकी हिस्सेदारी जो है ना ना के बराबर है जी ना के बराबर है और एक चीज़ और दिखा दें ये क्या किए हैं ये गलती क्या की है अभी तक तो ये स्टॉक और तेज़ी से भागता है लेकिन ये किए किए क्या हैं है यहाँ पे यहाँ देखिए ये ये है म्यूचुअल फंड स्कीम वाले ये क्या किए हैं ये तो बढ़े हैं चौदह चौदह थे चौदह थे ना ये तीन बढ़े हैं लेकिन इनका जो परसेंटेज है यहाँ पे होल्डिंग टोटल होल्डिंग देखिए यहाँ पे चेंज हुए हैं बड़े तो ज़रूर हैं तीन पॉइंट लेकिन होल्डिंग जो है ना इनका ज़ीरो पॉइंट सेवन परसेंट कम हुआ है और ये कम किए जानते हैं क्यों क्योंकि सोचे सोचे कि ये ये स्टॉक गिरेगा और गिरा नहीं और एफ देखिए यहाँ एफ और एफ जून में ये जून में ही इसकी म्यूचुअल फंड वाले इक्सी तो एक बड़े तो ज़रूर हैं लेकिन ये अपना होल्डिंग घटाए हैं और घटाए इसलिए घटाए हैं कि ये नीचे गिराने की कोशिश में थे लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कौन आईआरएफसी की डीलिंग करता है और कहाँ से होता है प्रमोटर होल्डिंग रिमेन एन ऑन चेंज एटी सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स जून ट्वेंटी थर्ड क्वार्टरली एंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम वन पॉइंट थ्री सेवन से जीरो पॉइंट सेवन सेवन इन जून क्वार्टर में ये घट गए घटे थे निकल बेच के भागे थे ये और ये तैयार हैं खरीदने के लिए लेकिन अब इनको मौका नहीं देना है दोस्तों ये भी जान लीजिए तो चलिए ये दो चीज़ आपको मैं बता दिया कि डरने की बात नहीं है स्टॉक अभी बहुत तेज़ी से भागेगा अब यहाँ पर आइए छाछठ रुपये पचहत्तर पैसा आज का हाई बनाया छाछठ रुपये नब्बे पैसा आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है एम बी ए बी के सिंह को और आप ही के देने की आज आपको प्रॉफिट हो रहा है हमारा कुछ भी योगदान है दोस्तों आपने धर रखा पेशेंस रखा और आपको इसका इसका बेनिफिट आज दिख रहा है और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अब जो डिविडेंड था दोस्तों डिविडेंड जो था अब ये डिविडेंड जो है थोड़ा आपको घट जाएगा पच्चीस पैसा तीस पैसा चालीस पैसा मिलेगा क्योंकि जब डिविडेंड आपको दो चीज़ें या तो डिविडेंड लीजिए और डिविडेंट इसलिए नई कंपनी देगा कि प्राइस बढ़ गया अब प्राइस इसलिए बढ़ा कि इन्वेस्टर जो है इसमें और तेज़ी से आएंगे इसलिए कि इसका काम जो है वर्क इसको डिविडेंड कौन देता है अभी तक जो डिविडेंड आपको हर साल मिलता था अभी भी दो बार में मिला एक रुपया पच्चीस पैसा मिला एक रुपया दस पैसा मिला फिर नब्बे पैसा मिला फिर सत्तर पैसा देखेंगे कि डिविडेंड घट रहा था इसका मतलब कि डिविडेंट वही देता है जिसके पास पैसा तो आता है ख़जाने में लेकिन पैसे को कहाँ खर्चा करें इसके पास उसके पास सिस्टम नहीं रहेगा इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों इन्वेस्ट पैसा कमाई और पै, पैसे का इन्वेस्टमेंट अर्निंग इनकमिंग और आउट गोइंग मैनेजमेंट जिसको करने की क्षमता नहीं रहेगी वो क्या करेगा कंपनी डिविडेंड बांटेगा वो पैसा करेगा अगर चलो भाई फ़ायदा हुआ तो कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ इस इस कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ लेकिन क्वार्टर थ्री जून की जो अपेक्षा जो है जो मार्च में हुआ था उसकी अपेक्षा जून में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था थोड़ा सा कम हुआ था प्रॉफिट हुआ था लेकिन कम हुआ था लेकिन उसके बाद भी इसके पास इतना काम और इसके पास ऑर्डर आ गए और इसका इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी इतनी बड़ी लगभग बारह देशों में इसके पटरी बिछाने का काम में मिला है और इसके फाइनेंस कर रही है छोटे छोटे देशों को आसपास के और यही कारण है कि इसका जो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको भी मिलेगा और इसका भी रिटर्न मिलेगा इसलिए लंबे लंबे रेस का घोड़ा दोस्तों और इसके रिटर्निंग में कभी भी नीचे जाता है तो आप ज़रूर ख़रीदना इसलिए कि ये तीन डिजिट में सौ तीन डिजिट मतलब सौ रुपये के पार जल्दी ही देखने को मिलेगा ये भी जान लीजिए अभी तीन साल हुआ के यहाँ मैं तो बोलता था अरे कम से कम तीन साल तो रखो तो ये है आपकी सबसे बड़ी नीति ये देखिए ये नौ बजकर पंद्रह मिनट का स्क्रीन था जैसे मार्केट खुला हमने स्क्रीन सेट ले लिया और मेरे मैं उसी समय उसके बाद उसके बाद फिर एक स्क्रीन लिया बारह बजकर बयालीस मिनट में जब ये छासठ रुपया पचहत्तर रुपया छासठ रुपया पचहत्तर पैसा पहुंच गया था और उसके बाद हम बहुत आई एम वेरी हैप्पी टुडे क्यों कमाई तो अलग है दोस्तों लेकिन जो मेरा कमिटमेंट था हम लोग का संस्कार ही हमारा ऐसा ब्लड ही दोस्तों वादा जो किए उस वादे को नहीं पूरा किए तो जीना बेकार है ठीक है कमिटमेंट मैंने बोला था छोड़ देंगे स्टॉक मार्केट उसी तरह आपको मैं बता दूँ मैं बोला था बावन रुपया पार करके देगा बावन रुपया टच किया उसके बाद नीचे चलता अड़तालीस उनचास रुपये तक और मैंने फिर बोला जब ये उठना उछलगी गई पैंसठ रुपये के बाद ही ये रुकने वाला है फिर मैं बोलता हूँ ये एक सौ चौबीस रुपये के बाद ही रुकेगा थोड़ा सा इसमें तो ऊपर नीचे तो होता रहेगा तो उसके लिए क्या घबराना जब लंबे समय के लिए लिए तो क्या तीन साल पूरा तो होने दीजिए और वो एफ एस ऑफर फॉर सेल तो होना हो जाने दीजिए कंपनी गवर्नमेंट का और इससे भी इसके बहुत तेज़ी से लगी हुई है और इसमें लगे हुए हैं आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश में जानते कौन एफ और डी और बड़े इन्वेस्टर अब ये इनको लग रहा है कि इतना प्रॉफिट तो कभी किसी स्टॉक में प्राइवेट में नहीं इतना सस्ता स्टॉक आप एक बता दीजिए ठीक है हमको प्रॉफिट होता है मान लीजिए कि सात हज़ार सात हज़ार का एक स्टॉक है सात हज़ार रुपये लगा कर अगर हमें दो सौ रुपये फ़ायदा होता है हिसाब जोड़िएगा दोस्तों पैसा है ना इन्वेस्टमेंट सात हज़ार रुपये लगा कर दो सौ रुपया प्रॉफिट होता है ठीक है अगर हमें पचास रुपये जब स्टॉक था पचास रुपये लगा कर आज हमें पंद्रह रुपया प्रॉफिट होता है तो पचास में भाग देंगे सात हज़ार में तो कितना हो गया जानते हैं जीरो जीरो खट जाएगा और ये हो गया चौदह पच्चीस सत्तर एक सौ चालीस गुना एक सौ चालीस गुणे पंद्रह कितना हो गया एक मिनट एक सौ चालीस गुना एक सौ चालीस में पंद्रह से गुणा कर दीजिए जीरो पंद्रह चौके साठ और पंद्रह छः इक्कीस अगर हम वही ये पचास रुपये का शेयर खरीदे रहते तो दो सौ जहाँ पर्दा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ एक कई सौ का प्रॉफ़िट हुआ तो ये देखना है कि कम लगाएँ ज़्यादा फाएँ यही तो बिजनेस है और बिजनेस करना सबको आता नहीं इसी के चलते डिविडेंड देते हैं जिनको बिजनेस करना नहीं आता है तो ये भी कंपनी डिविडेंड दे रही थी इसलिए कि प्रॉफिट हो रहा था इसको लेकिन अब डिविडेंड थोड़ा कम आएगा आएगा जरूर लेकिन कम आएगा वो आपको आएगा चालीस पैसा के आसपास जैसे मार्च आएगा एक डिविडेंड का भी बेनिफिट हुई है चालीस पैसा और जोड़ लीजिए समझ लीजिए तो चलिए पैंसठ का हम लोग बहुत बड़ी ढाई साल के इतिहास में दो टारगेट अचीव किए एम बी के सिंह आपके लिए आपकी तरफ से बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन ऑफ़ फ्रॉम आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से आपका पोर्टफोलियो ऐसे बनता रहे हेल्दी रहे चलिए दोस्तों तो आपको मैं बता दूं अब क्या करना है आईआरएफसी में तो आपको मेरी राय ही है सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का आईआरएफसी की डिटेल्स में बता दूँ आपको क्या करना क्या है आपको ना ख़रीदना है और ना बेचना है और न रखना है तीनों में से क्या करना है आपका अपना मैं नहीं जानता किसके पास कितना शेयर है आपके पास जितना शेयर है सौ पर मैं बता देता हूँ सपोज डेट आपके पास सौ शेयर है तो सौ का सात परसेंट सात शेयर सात सौ में से सात शेयर मतलब सात परसेंट शेयर आप बेच दीजिए ठीक है बस और मेरी यही स्ट्रेटजी है क्योंकि सात परसेंट के आसपास नीचे जाएगा वहाँ पे फिर हम लपक लेंगे और इन और एफ को अंगूर खट्टे हैं कहना पड़ेगा जय हिंद जय भारत बंदे मातरम दोस्तों आपकी सपोर्ट एम के सिंह के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद लाइक कर दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए चैनल को